हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ये पार्ट टू वीडियो है जिसमें मैं भारत के परंपरागत व्यवसाय के बारे में बात करूंगी, दैट इज ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस ऑफ इंडिया, जो कि एनसीईआरटी के लेटेस्ट सिलेबस से है। गाइस, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर माय वीडियो सो दैट एवरीबॉडी कैन स्टडी बेटर ड्यूरिंग कोरोना वायरस टाइम। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं परिचय से। हमें पता है कि भारत सबसे धनी देशों में से एक है अगर हम कला और संस्कृति की बात करते हैं। विविधता होने पर भी यहाँ टिकाऊ प्रकृति वाली सांस्कृतिक और सामाजिक है। संस्कृति अगर हम बोलते हैं तो आज तक भी कायम है, क्योंकि हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं के कारण है, इसलिए ये कायम है। कभी कभी हमारी जो कला और संस्कृति होती है वो कभी उथल पुथल हो जाती है, क्योंकि विदेशी आक्रमणों की वजह से या कोई भी उथल पुथल होना, इसकी वजह से थोड़ी बहुत कला संस्कृति हमारी बदलती रहती है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं। इसके अंदर हम चार टॉपिक्स पढ़ेंगे, जो कि है कृषि, हस्तशिल्प, पाक प्रणाली और चित्रण कलाओं। अगर हमारे परंपरागत के बारे में बात आती है तो आप चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। सबसे पहले हम कृषि के बारे में बात करते हैं, जिसमें हमें पता है कि जो मुख्य व्यवसाय हैं वो उनमें से कृषि एक है, क्योंकि भारत के अगर देखा जाए हमारे जलवायु मिट्टी बहुत ही अच्छे हैं, उसी की वजह से हमारा कृषि मुख्य व्यवसाय में से एक है। हमें पता है कि 70% जनसंख्या जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, उन लोगों के लिए कृषि जो हमारा है वो मुख्य रोज़गार है और सबसे बड़ा हमारा आय का स्रोत है। इसमें दो प्रकार के किसान होते हैं, इसमें एक जिनके पास छोटे छोटे भूखंड पर हैं वो खेती करते हैं, और जिनके दूसरे जिनके पास बड़े बड़े खेत हैं। तो हम बात करते हैं पहले छोटे छोटे भूखंडों पर खेती। इसमें क्या होता है, मालिकाना हक नहीं होता है, फसल का छोटा हिस्सा होता है इसलिए फसल भी कम होती है, और ये परिवार के लिए ही प्राय अपनी होती है, बेचना तो दूर की बात है। दूसरी ओर बात करते हैं हम बड़े बड़े भूखंडों पर खेती। इसमें मालिकाना हक होता है, बड़ा हिस्सा होता है तो फसल भी बहुत होती है, और ये परिवार के लिए तो पर्याप्त होती है, परंतु और इससे भी ज़्यादा किसान हमारे जो उपजाऊ होती है वो बेचते हैं और धन कमाते हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, इलायची, रबड़, ये सब चीज़ें उगाते हैं ताकि इनको बाहर हमारा भेजा जा सके और विदेशी मुद्राएं कमाया जा सके। भारत हमारे विश्व में कॉफ़ी, नारियल, दूध, अदरक, हल्दी, काली मिर्च का सबसे अधिक उत्पादन करता है, जो हमारी मदद करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी मुद्राएं ला सकें। भारत का महत्वपूर्ण व्यवसाय जो ये एक है, बहुत सारे हैं बट उनमें से एक है मछली पकड़ना। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि देश की तटरेखा काफ़ी हमारी लंबी है। अब हम करते हैं हस्तशिल्प, जो है हमारा सेकंड टॉपिक। भारतीय गांव में परंपरागत व्यवसायों में से हस्तशिल्प एक है। पहले तो हम पढ़ ही चुके हैं मछली पकड़ना, अब हम दूसरा परंपरागत व्यवसायों में से जो हम पढ़ रहे हैं वो है हस्तशिल्प। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत सी ललित कलाएं और तथा हस्तशिल्प काफ़ी लोकप्रिय हैं, और ये ग्रामीण जनता की जीविका का साधन है, क्योंकि ग्रामीण लोग भी बहुत सारी कलाएं दिखाकर अपना प्रोडक्ट्स बेचते हैं एंड ये हमारे आय का स्रोत होता है। उदाहरण दिए गए हैं जैसे कोष्ठ शिल्प, मिट्टी के बर्तन, धातु शिल्प, आभूषण बनाना, हाथी के दांत में शिल्प करना, रंगाई करना, छपाई करना, टेराकोटा। प्रत्येक राज्य के विशिष्ट परिधान होते हैं। अगर हमें देखा जाए तो सब अगर हम स्टेप वाइज देखते हैं तो हर जगह अलग अलग तरीके की ड्रेसेस होती हैं, जो कि हमारी पर्टिकुलर राज्य के लिए ही होती हैं, क्योंकि जलवायु और जीवन शैली के अकॉर्डिंगली ही वो हमारे वस्त्र होते हैं, ताकि जो भी वहाँ पर वेदर है, क्लाइमेट है, वो उनको सूट कर सके। अब हम एक तो एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं जो कि हमारे हस्तशिल्प के बहुत प्रिय एग्जाम्पल हैं। उड़ीसा की शोला शिल्प, कर्नाटक की चन्नपट्टनम की मूर्तियाँ, तो ये एग्ज़ाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। अब हम अगर बात करें हस्तशिल्प, हमारे बिना कलाई के तो पॉसिबल नहीं है। अगर किसी इंसान में कला है तभी वो हस्तशिल्प कर सकता है।
जो विधियाँ और तकनीक और कौशल परिवार के सदस्यों को पीढ़ी पर पीढ़ी सौंपी जाती है और ये हमारे गोपनीय रखी जाती हैं, क्योंकि अगर हम किसी को बता देंगे तो वो हमारी यूज़ कर सकता है कलाएँ और वो भी अपने अपने अलग तरीके से बना सकता है, तो उससे हमारे लिए ही प्रॉब्लम होगी। फिर दूसरा आता है परंपरागत रोज़गार। परंपरा चलती आ रही है, जैसे शिकार करना, नमक बनाना, खनन कार्य। अब पीढ़ी टू पीढ़ी हमारा कार्य बढ़ना, अब पीढ़ी टू पीढ़ी कार्य, जैसे पुजारी सफाई का काम करना, जैसे किसी के पापा पुजारी हैं उसका बेटा भी पुजारी बनेगा। फिर आता है हमारा पाक प्रणाली, जो कि थर्ड टॉपिक है, और ये हमारा इंडियन क्यूजींस कहलाता है इंग्लिश में। इसमें हमारा जो अलग अलग क्षेत्र होते हैं, अगर हम देखा जाए जैसे नॉर्थ इंडिया जाते हैं, साउथ इंडिया जाते हैं, तो अलग अलग डिशेज़ होती हैं, जिसमें ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हर जगह मसालों को अलग अलग प्रयोग होता है और अलग अलग तरीके के होते हैं, और उन्हीं को यूज़ करने से हमारी विविध प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। अब आते हैं लास्ट चित्रण कलाएँ पर। 4000 वर्षों से प्रचलन है जो कि चित्रण कलाएँ हैं। दो प्रकार के वर्ग हैं, एक है बड़े हिंदू मंदिर और दूसरा है राज्यों को राजसी शासक। ये कलाकारों के अकॉर्डिंगली वर्ग हैं। हमें पता है कि हमारे देश में विभिन्न धार्मिक कला धार्मिक हैं, तो उसी की वजह से हमारे हर तरह की जो कला हैं धार्मिक कला, वो अलग अलग तरीके की होती हैं। जैसे कि अगर देखा जाए, अगर हम नॉर्थ में जाते हैं तो वहाँ अलग तरह की कला है, अगर हम साउथ में जाते हैं तो अलग तरह की कला है। तो अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ की वास्तुकला दिखती है, उदाहरण पत्थरों पर गाढ़ी हुई कला, कांसे या चांदी में ढाली गई कला, टेराकोटा लकड़ी में बनी हुई कला। तो यही हमारे उदाहरण हैं जिन्हें आप याद कर सकते हैं, जो कि एक मार्क्स में आ सकता है। हमें पता है कि मॉडर्न दुनिया में अगर देखा जाए तो हमारी जो कलाएँ हैं वो धीरे धीरे अधिक कम हो रही हैं, एंड हमारे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं कला को यूज़ करने के बाद जो हम करते हैं उसमें भी वो भी हमारे कम पसंद किए जा रहे हैं। इसी वजह से जो हमारे कलाकारों के आय की स्रोत है वह भी कम हो रही है, एवं मूल्य जो है, जो हमारे हस्तशिल्प के प्रोडक्ट्स होते हैं, विजुअल आर्ट्स के प्रोडक्ट होते हैं, वो भी हमारे कम हो रहे हैं धीरे धीरे। तो आइए चलिए अब हम पढ़ते हैं इसका रीज़न क्या है। पहला है निरक्षरता, सामान्य सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, भूमि सुधार की धीमी गति, अपर्याप्त पूंजी धन में कमी होना, कम बाजार व्यवस्था, वनों का संकुचित, संसाधन की कमी, पर्यावरण में कमी। तो ये सारे हमारे कारण हैं जो कि हमारे कला को धीमे कर रहे हैं एवं मूल्य भी कम कर रहे हैं। और इसके बचाव हम इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे नया डिज़ाइन बनाना। आप नया डिज़ाइन सोचो कि आप कौन कौन सा डिज़ाइन ला सकते हो जो कि हमारे जो इस वाले जनरेशन को पसंद आए, हमारे मॉडर्न ज़माने में पसंद किए जाएं। वस्तु के बनावट में सुधार लाना, जैसे पहले वस्तु थी, जो आज के लोग हैं वो ज़रूरी ही नहीं है कि वो पसंद करें, वो कुछ नया चाहते हैं, तो उसकी बनावट में सुधार लाना, पैकेजिंग में सुधार लाना कि पैकेजिंग बहुत अट्रैक्टिव हो ताकि उनको पसंद आए। कलाकारों के प्रशिक्षण की सुविधा, पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करना, मतलब गोपनीय रखना, जो पारंपरिक से हमारे चले आ रहे हैं उनको ज़रूर उसमें रखना है, हमें गोपनीय रखना है, संरक्षित करना है। IPR का ध्यान रखना, IPR का फॉर्म फुल फॉर्म होता है बौद्धिक संपदा अधिकार, इसे हमें रक्षा करनी है इसकी। फिर जाति और आधारित जो हमारे जाति है उसके बिना ही हमें काम करना है, ये नहीं कि हमें जाति को बीच में लाना है। तो ये सारे हमारे पॉइंट्स हैं जिससे हम बचाव कर सकते हैं। अभी ये NCERT की बुक से मैंने कुछ कुछ पेजेस क्लिक करे हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन बना सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी मैं Part 1 और Part 2 में जो भी क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग माई वीडियो, डू कॉमेंट इफ़ एनी डाउट इज़ देयर, एंड लाइक द वीडियो, शेयर करें ज़रूर, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं करा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।
tongue tickling cuisines, which has emerged as a source of livelihood for innumerable persons, which are getting engaged from street food vendors to special restaurants and five-star hotels. Many popular traditional foods and spices, mixes and masalas are in demand in other countries. So we are actually earning a lot of money by sending our spices, herbs to other countries. So here we finish about cuisines. We're gonna move on to the next topic, and that is visual arts. Let's start with the visual arts. Now these are the pictures which are shown for the embroidery and textiles of India. You just need to see them, you don't need to learn about it. Now let's see for the visual arts. We have been practicing visual arts for over 4,000 years. You should know what is a visual art. Visual art is that art that you can see, touch and feel in the material form. We see during history, the artists and artisans were supported by two main categories of patrons, the larger Hindu temples and the princely rulers of various state. We had princely rulers. The main visual arts which were in the context of religious worship. If we go to temples, we can see a lot of artist work. Distinctive regional styles of architecture in different parts of India because of different religions. Islam, Sikhism, Jainism, Christianity and Hinduism, which typically coexisted across the country. So we can see various regional styles of architecture. Therefore, in different places of worship and mausoleums, palaces, a great variety of images can be seen. You can give example like skillfully carved in stone or cast in bronze or silver, or modeled in terracotta or wood, or colorfully painted were commonly prevalent during that time, and this have been preserved in India's vast heritage. This can come as a question, describe India's vast heritage. So you should, you know, make answer from this, which I've taught you right now. Now we talk about the modern scenario. Arts have been preserved and promoted through the efforts of government and several non-governmental organizations, providing occupational avenues including entrepreneurship. So if we talk about visual arts, visual means using your eyes, and art that is being done by the people. You can find varied art in different regions of India because of the diversity. So here we finish about for the visual arts. Guys, I hope you all have understood. Any doubt, you can write in the comment box. I will surely answer to your question. I have given you important questions. In my next video, I'm gonna give questions related to this again. Okay, now you can see these pictures. Worldly painting of Maharashtra and puppetry craft. We know that we have rich heritage of traditional occupations, which you have talked about earlier. And if we talk about the modern context, these work of ours are gradually losing out to mass-produced goods, leaving the artisans with meager source of income. On the other hand, there have been gradual erosion of the aesthetic appreciation of fine arts. Now, if we see, this is all because of illiteracy, general socio-economic backwardness, slow progress in implementing land reforms, and inadequate or inefficient finance of marketing services are major constraints that causes this trend. Now, you can see what leads to the gradual erosion of the aesthetic appreciation of fine arts: shrinkage of forest, depletion of resource base, and general environmental degradation are responsible for various problems faced in the context. So guys, I hope you have understood. Now let's see the two pictures. Coconut craft of Kerala. This was coconut made by coconut. Next is bamboo craft of Assam. So these were particularly from Assam. I hope you have all understood. Now in this paragraph, generally, we are talking about the art and craft, the visual arts, the handicrafts are actually being, you know, promoted by the government and non-governmental organizations, and there are a lot of efforts and initiatives which have been taken so that we can enhance the incoming generation potential of the rural folk and preserve our culture. The need of the hour and the challenge confronting in a society is to maintain the diversity.
without the hierarchy or caste-based work division in the democratic milieu. So, it's all for this video. Traditional occupations in India. You should sum up and understand what is important, and you should learn as a flow chart, guys, all the four topics, especially with examples. This can come as one markers. So I hope you have understood. Any problem, write in the comment box. Thank you for watching the video. I'm gonna upload soon the next video. So guys, till then, take care, keep studying, keep asking the doubts, share and like the video, subscribe the channel if you haven't. Ta-da!